इसको सेल्फी पॉइंट भी कहते हैं और सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं। आप सो वेलकम बैक टू गाइज माई न्यू ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को घुमाने वाला हूँ बरसाना। तो बरसाने में जैसा कि आपने पिछले वीडियो में और भी देख लिया था, हम कहाँ कहाँ घूमने गए थे और हमने एडवेंचर भी किया था। तो इस इस तरफ लस्सी वगैरह है जो भी आप ले सकते हो। पैदल पैदल चल चल के थक गए, लेकिन ऊपर मंदिर का रास्ता मही भान जी मंदिर जी के दादा और दादी के घर से। अभी बांसे में कुंभ माता का घर दिखाया, राधा जन्मभूमि दिखाया और अब जा रही। तो गाइस मेरी तरफ, मेरे पीछे की तरफ है पूरा बरसाना। आप देख सकते हो ये चारों तरफ बरसाना है, ये मंदिर के रास्ते में ही पड़ता है। और पीछे की तरफ रंगीली मेहर कीर्ति मंदिर आदि और भी सब कुछ है। चल चल आगे की तरफ चलते हैं। तो ये है दोस्तों मंदिर। तो गाइज मैं आप लोगों को एक चीज दिखाने वाला हूँ जो कि भैया बरसाने के मंदिर में दिखाई दिया हुआ है, देखिए। तो ये है पूरा बरसाना और मेरे पीछे की तरफ यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पे है नंदगांव। तो नंदगांव अगर टाइम मिलेगा तो हम नंदगांव भी जाएंगे और काफ़ी अच्छा आनंद आ रहा है। तो मंदिर खुलने में टाइम है कि जो मंदिर हमारा है 4:30 बजे खुलेगा, फिर हमको शायद रात हो सकती है यहाँ से जाने के लिए। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा यहाँ बैकग्राउंड सीन आ रहा है। सेल्फी पॉइंट, इसको सेल्फी पॉइंट भी कहते हैं और सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं। आप तो ये है सुसाइड पॉइंट जो कि मंदिर के बिल्कुल बगल में। सॉरी दोस्तों सुसाइड पॉइंट नहीं है, यहाँ पर लोग सब सेल्फी वगैरह खिंचवाते हैं। आप देख सकते हो इस जगह से सारा बरसाना नंदगांव सब कुछ दिख रहा है और बगल की तरफ यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर नंदगांव। तो नंदगांव अगर हम पे टाइम रहेगा पहुंच चुके हैं राधा रानी मंदिर में। आप देख सकते हो पीछे की तरफ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है वहाँ, जो कि मंदिर खुलेगा 4:30 बजे। तो इतना भी भीड़ नहीं है जो कि इस समय हो। तो ऊपर की तरफ है मंदिर, अब देखिए कुछ आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये है मंदिर और पीछे की तरफ क्या सीन है अपना, भीड़ भी ज़्यादा कुछ नहीं है। और दोस्तों मेरे पीछे के तो देखिए, ये है पीछे की तरफ मंदिर पूरा चारों बरसाना नंदगांव। आप लोगों को सब कुछ दिखाई दे रहा है इस चारों तरफ। ये है मंदिर का परिसर जिसमें आप विश्राम कर सकते हो। तो ये पीछे की तरफ है विश्राम घाट, यहाँ पे लोग विश्राम करने के लिए ठहरते हैं। और ये है मंदिर वगैरह। तो देखिए पीछे की तरफ कुछ भी बढ़ रहे हैं, बढ़िया दिन आए हैं आज हम। तो अभी 2 ही बज रहे हैं सिर्फ और मेरे पीछे का नज़ारा देखिए, सभी लोग जो आके अपना लाइन लाइन से इस पर अपने जगह गिर रहे हैं। जैसे ही मंदिर खुलेगा फिर तुरंत डायरेक्ट एंट्री होगी। तो हम पहुंच चुके हैं राधा रानी मंदिर, जो कि आप देख सकते हो जो गेट है वो बंद है। तो 4:30 बजे गेट खुलेगा, तो इसलिए हम पहले से ही लाइन लगा के बैठे हुए हैं। और मैं पीछे का नज़ारा देखिए क्या नज़ारा है अच्छा सा। तो यहाँ पे आज कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है, भीड़ सिर्फ होली के समय भीड़ होता है। और दोस्तों तो देखते हैं 4 बजे कब खुलेगा। और मेरे पीछे का बैकग्राउंड देखिए, ये है ऊपर की तरफ, ये है पीछे का मंदिर। दरवाज़ा खुलते ही हम श्री राधा रानी के दर्शन आप लोगों को करवाएंगे। तो हम इसके पीछे के दरवाजे से जा रहे हैं, जो मंदिर खुलने का टाइम है वो है 4:30। और मेरे पीछे का आप सीन देख सकते हो कितने ज़्यादा है यहाँ पे दोस्तों, सब जितने भी बरसाना इस जगह से क्लियर दिखता है। यही राधा रानी मंदिर है और उसके दूसरे तरफ पे धर्मशाला जो कि पहाड़ों के ऊपर स्थित है।
तो पीछे की तरफ धर्मशाला, तो हम पीछे के इस गेट से जा रहे हैं होकर, तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हो पहले गेट पे भीड़ है, लेकिन उन लोगों को अभी पता नहीं है कि मंदिर खुल रहा है, गेट और भी कोई गेट है। तो हम आ चुके हैं बिल्कुल यहाँ ऊपर, लेकिन जो दर्शन होंगे वो होंगे हमें 5 बजे के करीब दर्शन होंगे। बट अभी हमने पंडित जी से बात किया था, 5 बजे के करीब दर्शन होंगे। तो देखिए पीछे की तरफ क्या सीन है। तो यही है जो भी मंदिर है, जो कि इस समय प्रसाद हुआ था, लेकिन हम उस प्रसाद को ग्रहण करने में लेट हो चुके हैं। तो दोस्तों देख सकते हो राधा रानी का मंदिर है जो कि बंद है। तो गाइस हम बरसाने पहुंच चुके हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं अपने वीडियो को यहीं एंड करता हूँ।